Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson Indigo written by Louis Fisher. Louis Fisher के द्वारा लिखित Indigo, जिसका हिंदी अर्थ नील. नील है कि video number 4 में आपका स्वागत है. और वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक या दो लाइन वीडियो नंबर 3 के एंड में चलते हैं. जब चंपारण के किसानों को केवल ये मालूम था, ये जानकारी थी कि महात्मा जो उनकी सहायता करने के लिए आए हैं या उनकी जो सहायता करना चाहते हैं वह अब अधिकारियों से उलझ कर परेशानी में पड़ गए हैं, तो न्यायालय के चारों ओर हजारों किसानों के स्वैच्छिक प्रदर्शन ने ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. और उनका न्यायालय के चारों ओर ये प्रदर्शन ब्रिटिश सरकार के भय से मुक्ति की शुरुआत है. उससे आगे द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. जब न्यायालय के चारों ओर हजारों किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई तो सारे अधिकारी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, अपने आप को असहाय समझने लगे. तो फिर द ऑफिशियल्स अधिकारीगणों ने फेल्ट महसूस किया पावरलेस, शक्तिहीन, विदाउट, बिना गांधी इज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना. तो सरकारी अधिकारियों ने गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस किया या शक्तिहीन महसूस करने लगे. ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड. ही हेल्प्ड देम, उन्होंने उनकी सहायता की, यानी गांधी जी ने सरकारी अधिकारियों की, अंग्रेज सरकार के अधिकारियों की सहायता की रेगुलेट, नियंत्रित करने के लिए. द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने में गांधी जी ने उन सरकारी अंग्रेज सरकार के अधिकारियों की सहायता की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वह पोलाइट मीन्स विनम्र, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत. वह विनम्र और मित्रवत थे. कौन? गांधी जी. ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस. ही वॉज गिविंग देम, वह उनको दे रहे थे कॉन्क्रीट, ठोस, प्रूफ मीन्स प्रमाण या सबूत. गांधी जी उन हजारों किसानों को जो न्यायालय के चारों ओर एकत्रित थे उनको ठोस प्रमाण दे रहे थे. दैट देयर माइट, कि उनकी शक्ति, हिदर टू अब तक, ड्रीडंड किनकी शक्ति, उन अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों की शक्ति, हिदर टू जो अब तक ड्रीडेड भयभीत करने वाली थी. एंड अनक्वेश्चन्ड का मीनिंग है अजय, जिसके ऊपर कोई प्रश्न न किया जा सके, अजय. गांधी जी उन किसानों को ठोस प्रमाण दे रहे थे, ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति हिदर टू, यानी कि ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों की शक्ति अब तक जो भयभीत करती थी और अजय थी, उसको कुड बी चैलेंज्ड, चुनौती दी जा सकी बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा.
यानी गांधी जी भारतीय किसानों को, चंपारण के किसानों को ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अंग्रेज सरकार के अधिकारियों की शक्ति, जो अब तक भयभीत करती थी और अजय थी, को भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। दी गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार व्याकुल थी, बेचैन थी, घबराई हुई थी। बैफल्ड मीन्स बिविल्डर्ड, स्ट्रॉन्गली बिविल्डर्ड, बहुत अधिक घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। द प्रोसिक्यूटर अभियोक्ता, रिक्वेस्टेड अभियोक्ता ने आग्रह किया, प्रार्थना की द जज, जज से, टू पोस्टपोन स्थगित करने के लिए द ट्रायल, मुकदमे की सुनवाई। अभियोक्ता ने मुकदमे की सुनवाई को टालने के लिए, स्थगित करने के लिए जज से प्रार्थना की या आग्रह किया। Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Apparently, इसका स्पष्ट अर्थ ये था, इससे स्पष्ट होता है कि authorities, अधिकारियों ने या अधिकारी विस्ट चाहते थे टू कंसल्ट, परामर्श करना, विचार विमर्श करना देयर सुपीरियर्स, अपने उच्च अधिकारियों से। इससे ये स्पष्ट था कि अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने प्रोटेस्टेड, विरोध किया, अगेंस्ट द डिले, विलंब के, टालने के विरुद्ध अपनी आपत्ति जताई। गांधी जी ने मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने का विरोध किया। He read, उन्होंने पढ़ा, a statement, एक वक्तव्य, pleading guilty, जिसमें अपराधी होने की, जिसमें अपराधी होने की भावुकतापूर्ण अपील थी। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें अपराधी होने की, प्लीडिंग गिल्टी का मीनिंग है, गिल्टी मीन्स अपराधी, जिसमें अपराधी होने की भावनापूर्ण, भावुकतापूर्ण अपील थी। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने न्यायालय से कहा, गांधी जी ने न्यायालय से कहा कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड, वह फंसे हुए थे, शामिल थे, इन ए कॉन्फ्लिक्ट कहते संघर्ष, ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के। गांधी जी ने न्यायालय से कहा कि वह कर्तव्यों के संघर्ष में फंसे हुए थे। ऑन द वन हैंड, not to set a bad example as a law breaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come. On the one hand, एक तरफ तो not to set, स्थापित करना नहीं चाहते थे, ए बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण, एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के रूप में। एक तरफ तो गांधी जी कानून तोड़ने, नियम तोड़ने वाले के रूप में एक खराब, बुरा उदाहरण स्थापित करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर, रेंडर मीन्स प्रदान करना, टू प्रोवाइड, द ह्यूमैनिटेरियन, मानवीयता, एंड नेशनल, राष्ट्रीय, सर्विस में सेवा, और दूसरी तरफ
गांधी जी मानवीयता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहां आए हुए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ऑबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने अवज्ञा की द ऑर्डर, आदेश की, टू लीव, छोड़कर जाने की। गांधी जी ने चंपारण को छोड़कर जाने की आज्ञा की अवज्ञा की। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के अभाव के लिए नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, न्यायाधीश की, न्यायाधीश के अपमान के लिए नहीं, बट बल्कि इन ऑबीडियंस, पालन करने के लिए, टू द हायर लॉ, उच्च नियम, ऑफ अवर बीइंग, मानव जाति के, द वॉयस ऑफ कॉन्शियंस, जो अंतरात्मा की आवाज थी। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने न्यायाधीश के अपमान के लिए, चंपारण को छोड़ने के आदेश की अवज्ञा नहीं की, बल्कि उन्होंने मानव जाति के उच्च नियमों का पालन करने के लिए ऐसा किया जो अंतरात्मा की आवाज थी। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने चंपारण को छोड़कर जाने की आज्ञा का उल्लंघन, न्यायाधीश का अपमान करना नहीं, बल्कि मानव जाति के उच्च नियमों का पालन करना था जो अंतरात्मा की आवाज है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, द पेनल्टी ड्यू का मीनिंग है द पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, कानून तोड़ने के लिए सजा। उन्होंने गांधी जी ने कहा कि उनके लिए निर्धारित सजा दी जाए क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। गांधी जी ने, या इसके लिए, किसके लिए, जो भी उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की थी उसके लिए उन्होंने अपने लिए सजा दी जाने के लिए कहा, कोर्ट से कहा कि उन्होंने, किसने, गांधी जी ने चंपारण छोड़कर जाने के आदेश की अवहेलना की है, अवज्ञा की है, उसका पालन नहीं किया, इसके लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi ji to furnish bail for those 120 minutes. The magistrate announced, magistrate ne ghoshna ki, that he would pronounce sentence. प्रोनाउंस सेंटेंस का मीनिंग है गिव जजमेंट, कि वह निर्णय देंगे। आफ्टर ए 2-hour रेसिस, 2 घंटे के अंतराल के बाद, 2 घंटे की अवधि के बाद वह निर्णय देंगे। एंड आस्क्ड गांधी जी, और गांधी जी से कहा टू फर्निश बेल, टू फर्निश बेल का मीनिंग है जमानत कराने के लिए, फॉर दोज 120 मिनट्स, उन 120 मिनट के लिए जमानत कराने के लिए मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से कहा कि ठीक है भाई, 2 घंटे के बाद में निर्णय सुनाया जाएगा, और तब तक के लिए 2 घंटे के लिए गांधी जी आपको 2 घंटे के लिए जमानत करवानी पड़ेगी। गांधी
रेफ्यूज्ड। गांधी जी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने रिलीज्ड मींस मुक्त कर दिया, छोड़ दिया हिम उनको, गांधी जी को, विदाउट बेल, बिना ही जमानत के। बेल में जमानत होता है, और जज ने गांधी जी को बिना जमानत के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब न्यायालय पुनः लगा, रिकन्वीन्ड मीन्स पुनः शुरू हुआ, क्योंकि दो घंटे के लिए मध्य अवधि या मध्यांतर हो गया था, अवकाश हो गया था दो घंटे का, उसके पश्चात जब न्यायालय दोबारा लगा तो द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट, वह निर्णय नहीं देगा फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक, लगभग 3-4 दिन तक वह निर्णय नहीं देगा, ऐसा जज ने कहा जब दोबारा न्यायालय शुरू हुआ या लगा। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Meanwhile, इस अवधि के लिए 3-4 दिन के लिए he allowed Gandhi, उन्होंने, जज ने, उसने गांधी जी को अनुमति दी टू रिमेन, रहने के लिए, एट लिबर्टी, स्वतंत्रता पूर्वक। जज ने गांधी जी से कहा कि वह मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से इतनी समय अवधि के लिए रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। आगे लुईस फिशर कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और सेवरल अदर, कई अन्य प्रोमिनेंट, नामी ग्रामी या प्रसिद्ध लॉयर्स, वकील, हैड अराइव्ड, आ गए थे फ्रॉम बिहार, बिहार से। लुईस फिशर कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से चंपारण आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, परामर्श किया। वाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, इफ दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम इफ ही वेंट टू जेल, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। वाट वुड दे डू, वो क्या करेंगे, इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि उन्हें जेल भेज दिया गया, ही वॉज सेंटेंस्ड, उन्हें भेज दिया गया टू प्रिजन, जेल। गांधी आस्क्ड, गांधी ने राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य प्रसिद्ध वकीलों से पूछा कि भाई यदि उन्हें जेल भेज दिया गया तो वे क्या करेंगे। वाई, क्यों, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उनमें से जो वरिष्ठ वकील था उसने उत्तर दिया, क्यों भेजेंगे, दे हैड कम टू एडवाइज, वे उन्हें सलाह देने के लिए, एंड हेल्प हिम, और सहायता करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, और यदि वह जेल चले भी गए तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो फिर सलाह देने के लिए
कोई रहेगा ही नहीं, कौन बचेगा सलाह देने के लिए? किसको सलाह दी जाएगी जब गांधी जी ही जेल में चले जाएंगे तो? एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाएंगे, ऐसा वकीलों ने कहा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर ये अधिक बड़ी हो जाएगी। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 में। आपका पुनः स्वागत है। और चलने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी पर कोई कंजूसी मत करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आपके सिलेबस से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 में। टिल देन।